इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने सोमवार को स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वो राजबाड़ा और गोपाल मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने तय समय सीमा में काम पूरा करने का आदेश दिया। दरअसल पिछले 5 सालों से इंदौर का हृदय स्थल राजबाड़ा जीर्णोद्धार के चलते आम जनता के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है और अब राजबाड़ा को स्मार्ट सिटी योजना के तहत संवारा जा रहा है। इसी तरह गोपाल मंदिर के रिनोवेशन का कार्य भी जारी है, लिहाजा इतनी लेट लतीफी की वजह से ये कार्य चर्चाओं और जनता की नाराजगी की वजह बन रहा था, लेकिन निगम कमिश्नर के दौरे के बाद अब ये रास्ता भी साफ हो गया है। इस दौरान निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने बताया कि 30 जुलाई के पहले राजबाड़ा के 6वें फ्लोर का कार्य पूरा होते ही राजबाड़ा को आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी इंदौर ने हेरिटेज कंजर्वेशन में इस काम को हाथ में लिया है और राजबाड़ा का जो काम है वो लगभग समाप्ति की ओर है। जो अपना फ्रंट फसाड है उसमें लास्ट फ्लोर पे काम चल रहा है, जिसमें अपना 6वां फ्लोर, जिसमें बहुत सारी जो कॉलम्स थे उनमें लकड़ी जो सड़ी हुई निकली उसको अलग किया गया है, और 6th फ्लोर का और 7th फ्लोर का काम जैसे ही ख़त्म होगा, हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग 30 जुलाई के आसपास हम लोग जो फ्रंट में स्कैफोल्डिंग लगा रखी है राजवाड़ा की वो हटा देंगे और जो फ्रंट है राजवाड़ा का वो पुराने और बेहतर राजवाड़ा के रूप में सबको दिखेगा। जो इधर का ब्लॉक है पहले कोलैप्स हो गया था, ये भी काम कम्प्लीट हो गया है। अब इसमें स्मार्ट सिटी ने अपना जो एग्जिट प्लान है राजवाड़ा में प्लान कर लिया और 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में राजवाड़ा अपने ओरिजिनल स्वरूप में नजर आएगा। गोपाल मंदिर और दोनों गोपाल मंदिर का काम लगभग कंप्लीशन पे है, उसमें छोटा लास्ट में फिनिशिंग का काम चल रहा है। अगस्त के लास्ट में ये दोनों ही बिल्डिंग्स लगभग हम लोग खोलने की स्थिति में होंगे। गौरतलब है कि राजवाड़े के जीर्णोद्धार में लगे कई इंजीनियर और अधिकारियों द्वारा काम के दौरान कई तकनीकों के प्रयोग के चलते जीर्णोद्धार के काम में देरी हो गई थी। इस पर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि जल्द ही राजवाड़ा अपने पुराने स्वरूप में आम लोगों को देखने को मिलेगा। इंदौर से जतिन ठाकुर की रिपोर्ट।